दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड एज का मीनिंग उर्दू और हिंदी में जानेंगे, फिर वर्ड एज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन तीनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगी जी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। एज के स्पेलिंग होते हैं एज। एज का मीनिंग होता है जी जैसा के तौर पर। एज आई वॉज टेलिंग यू, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। एज आई वॉज टेलिंग यू डैट ही विल नॉट कम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था वो नहीं आएगा। As I was telling you that he will not come. As far as I know, she will not come. जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे as far as I know का मतलब है जहाँ तक। As far as I know, she will not come. इसी तरह I will be participating in a function as a chief guest. तो यहाँ पे आना चाहिए जी बी, कि मैं फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पे पार्टिसिपेट करूँगा। आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट। तो दोस्तों हमने देखा वर्ड एज का मीनिंग होता है जी जैसा, मिसाल तौर के तौर पर। एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिए एज आई वॉज टेलिंग यू डैट ही विल नॉट कम, एज फार एज आई नो शी will not come, और I will be participating in a function as a chief guest. दोस्तों एक्सरसाइज से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एम है जी 200 लाइक्स का, और अगर हो सके तो वीडियो के लिंक को फेसबुक के ऊपर, Google+ के ऊपर शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड एज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, गुड डे।